एक साधक ने मुझसे पूछा कि एक सूफी रचना वो रोज सुनता है और उस पर नाश्ता भी है, लेकिन वह रचना उसे समझ में नहीं आई। मैंने उससे पूछा कि रचना क्या है बताओ। बहुत प्रसिद्ध रचना है, लगभग सभी ने सुनी होगी, जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब मन जानदा यार नू मनाना औखा है। कि यदि तू पहले परमात्मा को मनाना चाहता है, जे तू रब नू मनाना ते पहले यार नू मना, उससे पहले तू अपने यार को मना। यार माने क्या? गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तो पहले उसको मना। क्योंकि रब मन जानदा यार नू मनाना औखा है। औखा माने बड़ा मुश्किल है, बहुत जटिल है गुरु को मना पाना। भगवान तो मन जाएगा, वो माना हुआ ही बैठा है, लेकिन असली जो बात है वो गुरु को मनाने की है। अब गुरु को मनाने का अर्थ क्या हुआ? कि गुरु को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। अब गुरु कैसे सेटिस्फाई होगा? गुरु तब संतुष्ट होगा जब वो देखेगा कि आपके भीतर की वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं जो आपको प्रभु के राज्य में प्रवेश दिलाएंगी। और जब तक वे तैयारियां नहीं होती, तब तक लगातार आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक, आपका गुरु आप पर काम करता रहता है। वो लगातार आपकी रिपेयर करेगा, ठीक ठाक करेगा आपको, और वहीं से सारी समस्या शुरू होती है। क्योंकि गुरु का पहला काम होता है आपके अहंकार पर चोट करना। और इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। स्वामी विवेकानंद शुरुआती दौर में जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, रामकृष्ण परमहंस के पास अक्सर जाया करते थे। उनका उनसे बहुत लगाव हो गया था, उनकी बातें सुनते थे और उनको ये लगने लगा था कि इस अध्यात्म के मार्ग पर यदि कोई मेरी नैया पार लगा सकता है तो यही एक व्यक्ति लगा सकता है। अब रामकृष्ण परमहंस ने भी देखा कि ये रोज आ रहा है मेरे पास। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने उनकी ओर देखना ही बंद कर दिया। विवेकानंद जब आए वो उनकी तरफ देखे ही ना, बाकी सभी से बात करें, उनका हालचाल पूछें, मुस्कुराकर हंस हंस कर बात करें, औरों के प्रश्नों के भी उत्तर दें, लेकिन विवेकानंद की तरफ देखते ही नहीं थे, पीट करके बैठ जाते थे। और जब भक्त इत्यादि गणों का प्रश्न इत्यादि करना समाप्त हो जाता था, भजन कीर्तन भी हो गया, तो चुपचाप उठकर बिना विवेकानंद की तरफ देखे अपना चले जाते थे। ऐसा 10-15 दिन तक चलता रहा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बुलाया और उसे पूछा, क्यों रे, तू 15 दिन से यहां आ रहा है, तू देखता नहीं कि मैं तेरे पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं तेरी उपेक्षा कर रहा हूं, तुझे अवॉइड कर रहा हूं कितना, और उसके बाद भी तू रोज आ रहा है, क्यों? तो विवेकानंद उत्तर देते हैं कि मैं आपसे मिले बिना रह नहीं सकता, आपके प्रति मैं अति प्रेम पूर्ण हूं और मेरा वो जो श्रद्धा से झुका हुआ मन है, जो आपके प्रति प्रेम में रमा हुआ मेरा मन है, वो आपसे बिना मिले रह नहीं पाता। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को गले से लगा लिया। वो उनके अहंकार की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि सामान्य आदमी होता तो वो यही कहता कि तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मैं तेरे पास रोज आ रहा हूं, तू मुझे देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, मुझे अवॉइड कर रहा है पूरा, जितनी उपेक्षा हो सकती है मेरी की जा रही है। तो साधारण व्यक्ति तो चला जाता, चोट लगती है ना उसके अहंकार को कि मुझे पूछा ही नहीं जा रहा, तो ना पूछे जाने की चोट बहुत बड़ी चोट होती है जो सामान्य आदमी को लगती है, विशेष को नहीं। अब एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो बिना गुरु के माध्यम से आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, और जो जीवित गुरु है वो आपके ऊपर काम करता है, लगातार काम करता है। आपके अंदर जहां वो कमी देख रहा होगा उस कमी पर वो चोट करेगा, और कई बार वो सीधे सीधे नहीं चोट करता, सीधे सीधे वो उसको सुधारने के काम नहीं करता, बहुत पेचीदा रास्तों से, टेढ़े रास्तों से होकर जाता है और आपके उस रोग पर काम करता है, तब वो रोग ठीक होता है। और इस प्रक्रिया में गुरु के विरोध में बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं। जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे तो उनके पूरे परिवार के लोग विरोधी थे,
मित्र विरोधी हो गए, पड़ोसी विरोधी हो गए, रिश्तेदार विरोधी हो गए, सब कहते थे कि इस लड़के को बहका दिया है उस दक्षिणेश्वर के पुजारी ने, उस रामकृष्ण ने इस लड़के को बहका दिया है और वो बाकी लड़कों को भी बहकाता है, वो रोगी है, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं और एक अनपढ़ गवार ने इस तुम्हें बरगला दिया है, इस तरह से न जाने कितनी कितनी बातें उनके रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने विवेकानंद को बताई और कहा तू उनके पास मत जाया कर, उनसे मिलना छोड़ दे। लेकिन विवेकानंद ने एक उक्ति से, अपनी एक स्टेटमेंट की तलवार से उन सब की बातें काट दी। विवेकानंद ने कहा यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय, कि मेरा वह गुरु चाहे कलवार के घर जाता हो। कलवार कहते हैं, कबीर ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है, कलाल जो शराब बनाते हैं, कि चाहे मेरा गुरु शराब बनाने वालों के यहाँ बैठना उठना उसका हो, उसके यहाँ जाता हो, लेकिन तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय, फिर भी मेरा वो गुरु वही नित्यानंद राय है। विवेकानंद ने एक इतनी सी बात कहकर अपने सारे विरोधियों का मुंह बंद कर दिया जो उनको विवेक जो उनको रामकृष्ण परमहंस की ओर जाने से रोका करते थे। तो बात क्या हुई सार, कि जे तू रब नू मनाउना है पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनाना है औखा है, जीवित गुरु को मनाना बड़ा औखा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लगातार आप पर काम करेगा, लगातार। एक प्रतिमा है गुरु की, मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, आप उसकी रोज पूजा करते रहिए, वो आपसे कभी नाराज नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी वॉचर नहीं है, आपको देख नहीं रही, आपको डांटेगी नहीं। अब गुरु की फोटो है, गुरु का चित्र, आपको क्या डांटेगा, वो सदा मुस्कुराता हुए रहेगा और आपको लगेगा कि हमारे गुरु लगातार मुस्कुराते हुए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की तनी हुई भ्रुकुटियाँ, गुरु का कुपित और रुष्ट चेहरा वो तो उस चित्र में नहीं दिखाई देगा ना, वो जीवित गुरु में ही दिखाई दे सकता है। तो यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है कि किसी के पास जीवित गुरु हो, और जीवित गुरु के साथ चलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। क्यों मुश्किल काम है, क्योंकि गुरु आपको कहाँ की एंट्री दिला रहा है, कहाँ का प्रवेश दिला रहा है, प्रभु के राज्य का। आपको एक दूसरे देश में जाना होता है, अमरीका मान लीजिए आपको जाना है, तो अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए वहां की एम्बेसी को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा कि अगर तुम्हें अमेरिका जाना है, जे तू अमेरिका जाना है तो पहले एम्बेसी नू मना, अमेरिका ते मन जाना, एम्बेसी नू मनाना मुश्किल है, कैसे मनाओगे एम्बेसी को, वीजा तो एम्बेसी देगी ना। तो जब तक अपनी हर चीज से आप उस एम्बेसी को सेटिस्फाई नहीं कर दोगे, संतुष्ट नहीं कर दोगे, तब तक वो एम्बेसी आपको वहां का वीजा नहीं। तो यार क्या है, गुरु क्या है, आपको वहां का वीजा लगवाने वाला, और इसलिए उसको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। वो गुरु क्या आपको लगातार साधना के मार्ग की ओर अग्रसर करेगा और कहीं नहीं। एक सबसे बड़ी पहचान आपको मैं बता रहा हूं, वो आपसे अगर आपकी किसी बात के लिए नाराज भी होगा, रुष्ट भी होगा, आपको कहीं पर धिक्कारेगा, ठोकेगा, पीटेगा, तो सिर्फ एक ही बात को लेकर, वो ये कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप ध्यान के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप अपने जीवन का जो समय है जो ध्यान के लिए लगाना चाहिए वो नहीं लगा रहे, उसका एक ही केवल वक्तव्य होगा, एक ही ध्यान होगा, एक ही देशना होगी और एक ही मार्गदर्शन होगा, लगातार आपको ध्यान के मार्ग पर लगाए रखने का। और मन ध्यान के मार्ग पर लगना नहीं चाहता, तो इसलिए वो गुरु को सहजता से मना नहीं सकता। तो इतना ही काफी है कि ये सजग रहिए कि आपका गुरु अगर आपको, आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपको अगर ध्यान के मार्ग पर ले जा रहा है, उस रब को मनाने की यात्रा पर ले जा रहा है कि जहां आपको वो उससे मिलवा सके, तो उसको रूठने मत दीजिए। अगर वो रूठता है तो हर कारण से उसे मनाइए, उसका मनाना ही साधक का, शिष्य का वास्तविक आध्यात्मिक विकास है। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं।
इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमय महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।